हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि वृंदावन बिहारी जी की कॉरिडोर योजना में प्रदेश सरकार मुआवजा को 4 गुना बढ़ाए, क्योंकि वहां वृंदावन में रहने वाले लोग अपना घर दुकान आदि को छोड़कर आएंगे और दूसरी जगह अपना घर बनाएंगे तो मुआवजा राशि अच्छी मिलेगी, तभी वह लोग अपना आशियाना बना पाएंगे। हिंदू महासभा का एक ही मांग है कि वहां रहने वाले किसी व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए, यदि ब्रजवासी दुखी होंगे तो भगवान बांके बिहारी माफ नहीं करेंगे। वृंदावन कॉरिडोर योजना में हजारों लोगों के आशियाने उजड़ जाएंगे और हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत लोगों की आस्था धूमिल हो जाएगी। हिंदुवादी नेता दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12,000 प्रति वर्ग गज राशि तय की जा रही है, वह बहुत ही कम है। वृंदावन कॉरिडोर से संबंधित मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, इसीलिए जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। वृंदावन में जो उत्तर प्रदेश सरकार की कॉरिडोर योजना चल रही है, उसमें वहाँ के दुकानदार, वहाँ के सेवायत, वहाँ के पुजारी और वहाँ के ब्रजवासी बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। मैं दिनेश शर्मा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि वहाँ की जो मुआवजा राशि है उसको 4 गुना कर दें, क्योंकि जिसका आशियाना उजड़ेगा, जिसकी दुकान टूटेगी, जिसका रोजगार जाएगा, तो उसको मुआवजे के रूप में जो राशि मिलेगी उस राशि से वो अपनी दूसरी जगह व्यवस्था कर सकता है, दूसरी जगह अपनी प्लॉट ले लेगा, वहाँ अपना मकान बनाएगा। क्योंकि वृंदावन में कुछ ब्रजवासियों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि हमको जाड़ा गया तो हम जहर खा लेंगे। एक लेडीज़ की वीडियो वायरल हो रही है, उसने कहा है कि मेरे परिवार में 12 सदस्य हैं, आप मुझे जहर दे दो, हम 12 व्यक्तियों को जहर दे दो और पीछे जो भी आपकी इच्छा हो करना। तो इस तरीका से जो शासन प्रशासन की कार्रवाई चल रही है वो गलत है। सभी के लिए भरपूर मुआवजा मिलेगा तो उनको अपने आशियाने को, अपनी दुकान को, अपने रोजगार को छोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी, वो अपना दूसरी जगह व्यवस्था कर सकता है। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि वहाँ के लोगों का अहित ना हो, उनका हित हो, ऐसा कार्य शासन प्रशासन करना चाहिए। और माननीय न्यायालय में भी इसमें केस चल रहा है ऑर्डर को लेकर, वहाँ के स्थानीय लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में केस किया हुआ है, तो जब तक केस का फैसला ना आए तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि शासन प्रशासन इसमें उनका अहित करता है ब्रजवासियों का, तो हिंदू महासभा इसमें भूख हड़ताल करेगी। हमारी यही मांग है कि शासन प्रशासन से वहाँ के रहने वाले लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे, और जो वहाँ की प्राचीन कुंज गलियाँ हैं उनको तोड़ेंगे आप तो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो नष्ट होगा। इस स्थान को आप कॉरिडोर बनाना चाहते हैं तो बनाएं, लेकिन किसी का अहित ना हो।